मैं आज अमित शाह जी से मिल रहा हूँ, इसी विषय के ऊपर मैंने टाइम मांगा है। अभी तक एग्जैक्ट टाइम दिया नहीं गया, लेकिन कहा कि शाम को किसी वक्त भी आप तैयार रहें, हम बुला लेंगे। तो उसमें हमारा डिमांड तो यही होगा कि खाली मिजोरम नहीं है, बल्कि बाकी 7 स्टेट जो है नेबरिंग, सब लोगों ने कुछ ना कुछ आसाम का जमीन का हिस्सा और बड़े बड़े बीघे के हिसाब से उन्होंने हड़पा है। तो उसको वो जल्द से जल्द खत्म करें, एक जगह पे ले जाके बाउंड्री मार दिया जाए। और दूसरे ये है कि मिजोरम में अभी अभी ताजा ताजा गुज़िश्ता 6-7 महीने के अंदर तकरीबन 6-6.5 बीघा घसेट के हमारे यहाँ से असम के अंदर घुसपैठ कर दिया है। उसको वो जल्द से जल्द छोड़ दें और उसी बेंचमार्क बना दिया जाए कि अब इसके बाद इसके आगे नहीं बढ़ेगा। अगर बात की जाए कि जो बॉर्डर टेंशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है, पर फिर भी कोई गाड़ी जो है वो अभी मिजोरम से असामिया से इधर उधर जा नहीं रही है, ऑफिशियल्स का भी यही कहना है, कहीं ना कहीं मानते हैं लोगों के दिल में अभी भी डर हो। नहीं, डर तो होगा कि 6 हमारे सरकारी ऑफिशियल्स मौत हुई है, डेथ हुई है। अभी तक उस मामले में जब 2 आदमी हमारे यहाँ से मिनिस्टर्स गए तो उन्होंने उसके ऊपर खेद प्रकट किया है, लेकिन हमारे 6 आदमी मरने का, 6 लोगों की जान गई, उनके घर उजड़ गए, उनकी औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, उस मामले में अभी तक कोई बात नहीं हुई। इसमें हमको इत्मीनान नहीं है, जब तक कि वो मामला खत्म ना हो इस मामले को खत्म नहीं होने देना चाहिए। सर, सीएम भी दिल्ली आए, आप क्या उनसे भी मुलाकात करेंगे? जी, मुझे अभी मालूम पड़ा है, पहले नहीं मालूम था, शाम तक मिलेंगे एक बार आके, इन सब मामले में बात करेंगे। सर, सब मामलों को लेके बात रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। सर, पीएम से अगर मिलने का मौका हो या टाइम आप मांगेंगे पीएम से भी मुद्दों को लेकर बात करने का? इतना ऊपर हमने सोचा नहीं अभी तक, लेकिन खत तो जरूर लिखेंगे अभी।